हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में, हर हर महादेव आप सभी के लिए। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो सेकेंड ODI है उसके बारे में अपन ड्रीम इलेवन कैप्टन वाइस कैप्टन डिस्कस करेंगे, वो भी काहे के लिए, मेगा GL के लिए। देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मेगा GL खेलते हैं तो आपको कुछ डिफरेंट करना होगा। इस बात को आप अपने ब्रेन में घुसा लें, बैठा लें, ताकि आप सेफ टीम ना बनाओ, क्योंकि सेफ टीम बनाने से आपकी मेगा GL में रैंक कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको डिफरेंट टीम बनानी है, कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन जो आपको लगेगी यार ये अलग है ना। तो ये साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन है और ये इंडिया की प्लेइंग इलेवन है। देखिए, यहाँ पर कुछ हमने 6 से 7 प्लेयर को टिक कर दिया है, मार्क कर दिया है। अगर आप चाहें तो इन प्लेयरों के साथ फिक्स में जा सकते हैं, जैसे एडम मार्करम, हेनरिक क्लासन, केशव महाराज, और इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन, KL राहुल और कुलदीप यादव, ये 6 प्लेयर हैं। बाकी जो प्लेयर बचते हैं जो प्लेइंग इलेवन में, उनको आप रोटेट करके किसी टीम में इसको रख लिया, किसी टीम में इनको रख लिया, किसी हर एक प्लेयर को रोटेट करके आप टीम बना सकते हैं। जैसे डेविड मिलर और मुल्डर को रख लिया, तो मतलब एक एक टीम में आप रोटेट कर सकते हैं। तो मेगा GL के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको डिफरेंट टीम बनानी है। कैसी टीम बनानी है? डिफरेंट टीम बनानी है, इस बात को ध्यान में रख लेना। डिफरेंट टीम में क्या होता है कि 6 से 7 प्लेयर सबके कॉमन होते हैं, लेकिन जो 1 से 2 प्लेयर होते हैं, 3 प्लेयर होते हैं, वो आपका सारा का सारा खेल कर जाते हैं। अब वो डिफरेंट प्लेयर में भी आ सकते हैं और हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन भी आ जाए वही डिफरेंट प्लेयर। तो आप अगर मुद की टीम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा टीम लगाते हैं, 10 टीम लगाते हैं, 20 टीम लगाते हैं, तो आप बेशक इन प्लेयरों को सिलेक्ट करके चल सकते हैं और डिफरेंट CVC भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आप कम टीम लगाते हैं, 3 टीम लगाते हैं, 4 टीम लगाते हैं, तो आपको रिस्क लेना होगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अलग अलग CVC नहीं करना है भैया। अगर आप जितनी टीम लगाते हो उन सभी टीमों में CVC अलग अलग मार दोगे तो आपका लॉस भी निश्चित है और आपकी रैंक भी कभी अच्छी नहीं आएगी। 3 टीम लगाते हो CVC के लिए, 2 से 3 प्लेयर फिक्स कर लेना, उन्हीं को रोटेट कर लेना, आए तो आए, जाए तो जाए, मतलब इस तरह से खेलना है, क्योंकि आप खेल ही रहे हो फैंटेसी। अगर नहीं खेलते तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर हर मैच के मेगा GL के लिए CVC और अपन फिक्स प्लेयर बात करेंगे, स्टेट्स की बात नहीं करेंगे, पिच रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर मैच में अलग अलग कंडीशन होती हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्कोर होता है, प्लेयर का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे ये प्लेयर चलेगा, वहाँ पे वो प्लेयर चलेगा। तो पिच रिपोर्ट पर, मेगा GL पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कॉम्बिनेशन से टीम बनाएं जो आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।